जो जनमत में विश्वास रखता है वो नीतीश कुमार की सरकार गिराएगा। फ्लो टेस्ट को लेकर तमाम अटकलों के बीच धराधर जो बैठकों का दौर है वो तमाम राजनीतिक दल इस वक्त कर रहे हैं। बात सत्ता की करें या फिर विपक्ष की, विपक्ष चाहता है कि मौका है बहुमत नहीं साबित करने दिया जाए नीतीश कुमार को। बहरहाल महागठबंधन के तमाम घटक दल जहां तैयारी कर रहे हैं कि कैसे नीतीश सरकार गिरा दी जाए, वहीं माले और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अब तेजस्वी यादव के से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। और इसी बीच पहुंचे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने कहा है कि हम तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखते हैं, फ्लोट टेस्ट होना है और जो लोग जनमत पे विश्वास रखते हैं वो नीतीश कुमार की सरकार गिरा देंगे। सुधाकर सिंह कहते हैं कि ये एक औपचारिक बैठक है, जब भी विधानमंडल सत्र को बुलाया जाता है उससे पहले तमाम राजनीतिक दल इसी तरीके से बैठकें करती है और हम कोई भी खेला करने की तैयारी में नहीं हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट अगर नीतीश सरकार को देना है और लगता है कि उनकी सरकार गिरेगी तो जनमत को मानने वाले लोग उनकी सरकार गिरा देंगे। सुनिए सुधाकर सिंह जब बैठक में पहुंचे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार विधानसभा का सत्र है बजट, और उसके पूर्व संध्या पर बैठकें होती हैं विधायक दल की, ये कोई नई परंपरा नहीं है, उसका हिस्सा है। इसीलिए जो 12 तारीख को उसका शुरुआत है, फ्लोर स्वाभाविक है, जो नई सरकार बनी है वो अपना विश्वास मत हासिल करे। जी आपको क्या लगता है कि फ्लोर टेस्ट में वो लोग पास हो पाएंगे? अब उनको तो जनमत नहीं मिला है बिहार का, बाकी चीजें तो उस दिन फ्लोर पे बात होगी। देखिए हम लोग किसी का तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते, जिसको जनमत का सम्मान करना होगा वो नीतीश कुमार की सरकार को गिराएगा। सुधाकर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट देना है और नीतीश कुमार कितने पॉजिटिव हैं इस फ्लोर टेस्ट को लेकर वो खुद समझें। अगर सरकार गिरनी होगी तो गिर जाएगी, फ्लोर टेस्ट में एनडीए की सरकार पास नहीं होगी, लेकिन जो जनमत मिला है वो एनडीए का नहीं था। ऐसे में अब नीतीश कुमार जब बीच मझधार में हैं तो जनमत का सम्मान करने वाले लोग नीतीश कुमार को बीच अधहर में छोड़ सकते हैं। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। साबित करना सब, आप मीडिया में खबरें आ रही हैं, प्लांट होती हैं। हम लोग विधानसभा में जाएंगे, जो परिस्थिति है वो सबके सामने होगी और बाकी चीजें समझ में आएंगी। ऐसा बिहार विधानसभा का सत्र है बजट, और उसके पूर्व संध्या पर बैठकें होती हैं विधायक दल की, ये कोई नई परंपरा नहीं है, उसका हिस्सा है। इसीलिए जो 12 तारीख को उसका शुरुआत है, फ्लोर स्वाभाविक है, जो नई सरकार बनी है वो अपना विश्वास मत हासिल करे। जी आपको क्या लगता है कि फ्लोर टेस्ट में वो लोग पास हो पाएंगे? अब उनको तो जनमत नहीं मिला है बिहार का, बाकी चीजें तो उस दिन फ्लोर पे बात होगी। देखिए हम लोग किसी का तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते, जिसको जनमत का सम्मान करना होगा वो नीतीश कुमार की सरकार को गिराएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।